किधर बढ़ाती जाए किधर बढ़ाती जाए बोल जगीरा
चाहिए इस अंधेरे नगर को हरदम चौपट राजा का। अरे माता चुप चुप रहेगा पहले। कथा ज्ञान सिखाता, एक ही कथा ज्ञान सिखाता, बोल जगीरा, जियो जगीरा। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। A B C D E F G, A B C D E F G, था जो गिरा। अभी ये बच्चों ने समय बांधने के लिए थोड़ा सा जो गिरा गया, अब ये बच्चे नाटक करेंगे। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? ये लड़कियों और महिलाओं को लेकर के नाटक है, ठीक है? तो अब नाटक शुरू करते हैं, ठीक है? भारत माता के देश में जहाँ हर व्यक्ति के जीवन में अत्याचार हो रहा है। स्वागत है सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक केस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है सबका उस भारत माता के देश में जहाँ पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। क्या दोस्त क्या कर रहा है? चलना बाढ़ खेलते है। नहीं दोस्त नहीं खेल सकती, नाटक का स्क्रिप्ट। ए नाटक करने से क्या मिलता है? नाटक करना छोड़ दो। नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? हम बदलेंगे समाज को। समाज को बदलने वाले तुम कौन होते हो? हम रंगकर्मी है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? क्यों करते हो?
लीजिए, मुझे भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पर भी है, हमारे देश में कितनी ऐसी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। पांचवी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी कितने ऐसे माँ बाप है जो स्कूल तक नहीं भेजते हैं और कहते हैं कि बेटी एक बार फिर से तेरा कॉम्प्रोमाइज कर दो। हाथों में गहरी लाली सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली।
भारत में होने वाली महिलाओं पर अत्याचारों का
बहुत बड़ा उदाहरण है जिसका भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। नन्नी नन्नी बच्चियों को बूढ़े बुजुर्ग एवं प्राइम मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? ढल गया दिन, हो गई रात, जाने दो क्या मिल गया को? क्या मिल गया चेकअप को? क्या मिल गया शेक्सपियर को? क्या मिल गया सब
को किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो, पर नहीं, हमारे देश में सबको एक ही सलाह दी जाती है कि बेटी एक बार फिर से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हर एक औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। ये तो कुछ ही समस्या थी जो हम लोगों ने आपके सामने रखी है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्स हैरेसमेंट, ये सब उस लड़की के सपने को जीने नहीं देते। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता ना दोस्तों, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। उन्हें उनका हक कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग सोचिए और साथ दीजिए इनका। अगर आप लोगों ने आज इनका साथ नहीं दिया तो जो होता आया है वही होता रहेगा। अब पता चला कि नाटक क्यों करता है। फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं कि उनका पैसा 3 या 4 सालों में दुगना हो जाएगा, उन्हें ब्याज मिलेगा। पर दोस्तों मैंने जो यहाँ पैसा जमा किया है ना, उसका ब्याज मुझे भी मिलेगा, पर 3 या 4 सालों के बाद नहीं। अभी तुरंत इस नाटक के खत्म होते ही और वो ब्याज होगी। आप सबों की तालियां। जो लेखक और निर्देशक हैं सत्यप्रकाश, वन एंड ओनली सत्यप्रकाश। शायद आप लोगों में से बहुत लोग मेरी कहानी तमाशा को देखा होगा, बहुत लोग तमाशा को देखा होगा। आपको लग रहा है सिमिलैरिटी होगी? यस। एक बार जोरदार ताली बजा के। मैं एक इन बच्चों से एक यही कहना चाहता हूँ, जब मैं इनकी उम्र में था तो मैं शायद डोरेमोन या शक्तिमान देखता था। आप पेन फेंक के सही बताओ कोई, हम मुझे नहीं लगता इनकी उम्र में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। तो सत्य प्रकाश बहुत 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 धन्यवाद। ये कहानी जो है ये बच्चे बहुत खुश कराए हुए हैं, सैदपुर से हैं और ये सत्य प्रकाश इनको निःशुल्क सिखाते हैं कहानी। ये बच्चे सभी बच्चे स्लम बस्ती के बच्चे हैं, जिस इलाके के बच्चे हैं शायद वहाँ पे किसी ने आज पहली बार दफा नाटक किए होंगे। बच्चे ये 20वां शो था आज, 20वां शो था, बस 1 साल हो गया 20वां शो था। मतलब बच्चे आते गए, चेंज होते गए। आज कम से कम 25 बच्चों का टीम था तो आज 12 बच्चे हैं। इस वजह से क्योंकि किसी बच्चे का एग्ज़ाम था तो कोई किसी का स्कूल था, इस वजह से बच्चे नहीं आ पाए, पर जितना भी हो सका गलती सलती इसके सॉरी। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। अभी अभी हम लोगों ने देखा रंग उमंग, आपके ग्रुप का नाम है सर, रंग उमंग के द्वारा एक प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक की, क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज। और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो इन लोगों को प्रोत्साहन तो देना बनता है। तो मैं अपने फादर प्रिंसिपल और फादर रेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर बच्चों को कॉन्सोलेशन प्राइज दें। फादर और फादर फादर सुशील भी है। फादर प्लीज, फादर तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चों ने इतना जोश के साथ परफॉर्म किया है तो आप लोगों का जोश खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
एंड एट लास्ट एक मिनट